हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाह बाइकर्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो फाइनली अब दिन आ चुका है गो प्रो की टेस्टिंग करने का, और साथ ही साथ आज कराएंगे RS 200 अपनी बाइक की सर्विस भी करानी है, बिकॉज हमने साइलेंसर वगैरह की किट पूरी जो हम ये मॉडिफाइड एग्जॉस्ट इसमें यूज़ कर रहे थे, अब वो एग्जॉस्ट हमें हटाना पड़ेगा। और वो एग्जॉस्ट उठा के हम इसमें यूज़ करेंगे स्टॉक एग्जॉस्ट, बट ग्राफिक्स वगैरह सब स्टॉक वाले नहीं रहेंगे, सब मॉडिफाइड वाले रहेंगे, तो कुछ चीज़ों का नया देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ अभी हम GoPro को टेस्ट करेंगे पूरे रोड पे, और साथ ही साथ लोगों अगर ईपिक रिएक्शन भी लेंगे तो ये हो सकता है मे बी ये दो पार्ट्स में रिकॉर्ड करें या सिंगल पार्ट में, वो डिपेंड करता आगे चल कर। अभी तो चलते हैं अभी आगे। का काम हो गया, सही कर भाई। अरे थोड़ा एग्जॉस्ट फिटिंग सब कुछ हो जाएगी, उसके बाद इसको स्टॉक एग्जॉस्ट में चलाएंगे तो पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये 30,000 रुपये का, जैसे कुछ आता है स्कूटर वो एक पैन वाला भी आता है ना, पैन वाला। हाँ जी वो तो खा ही रहा आने को आते हैं, पर उनका ना कोई काम ही नहीं होता है। तो अभी इसका इंजन ऑयल चेंज कर दिया गया है, और इंजन ऑयल मतलब ला रहे हैं अभी चेंज करने के लिए, और एयर फिल्टर चेंज होगा इसका। पूरी बाइक खुली पड़ी है, स्टॉक एग्जॉस्ट हटा लगाने की तैयारी है। जो कम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट था हमने चेंज कर दिया है, वो पड़ा है कुछ इस प्रकार से, और अभी इसमें चेंज होगा एग्जॉस्ट लगेगा कंपनी वाला विद उसकी फिटिंग के साथ सील पैकिंग के साथ, और अभी देखते हैं। बाकी इंजन की अभी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन में मतलब कोई ऐसी दिक्कत हमें नज़र नहीं आई बाइक के अंदर, मतलब ओवरऑल अभी तक बाइक काफ़ी बेटर कंडीशन में है पूरी बाइक। ये इसका नया एयर फिल्टर जो भी चेंज हो गया इसमें पूरा, जिसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड ऑफ 295 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है, इस पार्ट की 262 रुपीज़ की इसकी पार्ट कॉस्ट है इस एयर फिल्टर की, जो कि 20,000 किलोमीटर में जाकर हमने चेंज कराया अपना आज। तो ये भी काफ़ी मतलब टाइम बाद हमने चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज कराने के लिए। ये इसकी पुरानी वाली पैकिंग, और ये लिफ्ट में लगा दी नई वाली पैकिंग है इसकी पूरी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी लग चुके थे सिर्फ बस एग्जॉस्ट में जो एयर लीक होती वो नहीं होगी इससे, एयर लीक अब साउंड वगैरह बिल्कुल जेन्युइन होगा पूरी तरीके से। अच्छा, उसके लिए एग्जॉस्ट के लिए। हाँ, तो फाइनली अब हो चुका है फिटिंग स्टार्ट एग्जॉस्ट के भराने वाले के लिए। ये ऊपर हुआ काफ़ी बार एग्जॉस्ट करने की वजह से बैंड पार भी हो चुका है इसका, जो बैंड है वही काफ़ी बार मतलब हथौड़ी बार मार मार के हम लोगों ने नीचे कर दिया ना, इस वजह से थोड़ा सा ये मुड़ चुका है। फाइनली 5,000 किलोमीटर के बाद इसका एग्जॉस्ट सिस्टम लग गया दोबारा, पूरा एग्जॉस्ट वापस फिटिंग, क्योंकि इतने में ही हीट हो जाएगा काफ़ी गंदी तरीके से। तो फाइनली पूरी बाइक हो गई रेड बिल्कुल, तो तैयार है बाइक पूरी तरीके से स्टॉक में अभी के लिए फ़िलहाल, रेडी कर सकते हैं स्टॉक के हिसाब से इसको, अब बस सीट वगैरह लगनी है, बाकी सब रेडी टू यूज है पूरी बाइक हमारी अब अच्छी तरीके से। अब भाई करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड, और ये रहा हमारा बिल, 960 रुपये का टोटल बिल मैंने, जिसमें हमने इंजन ऑयल भी कूलेंट भी एयर फिल्टर भी फिटिंग एग्जॉस्ट की सारी चीज़ें कराई है, 960 रुपये का हमारा सिर्फ टोटल बिल बना है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, सस्ते में निपट गए हम लोग आज अपने,
तो काफी बाइक ऑसम लग रही है। 20,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसका जो रिव्यू मैं कहूँगा बिल्कुल ऑसम है। RS 200 वन ऑफ द बेस्ट बाइक लगी मुझे सीरियसली गाइस। तो आई होप यू लव दिस वीडियो। तो प्लीज़ गाइस हिट कीजिए अभी सब्सक्राइब बटन को और लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और शेयर कीजिए प्लीज़। थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाइए ना, प्लीज़ दिखाइए। तो गाइस करते हैं एंड। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू, बाय।